तो गाइस iOS 17.7 भी आ चुका है और इसी का मैच करने वाला हूँ BGMI टेस्ट। और ये BGMI टेस्ट हम लोग करने वाले हैं iPad 9 जनरेशन पे, क्योंकि भाई बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। और वैसे ये ऑफिशियल वर्जन नहीं है, ये एक RC वर्जन है जो कि ऑफिशियल रिलीज होने से पहले एक बार बीटा टेस्टर्स को मिलता है। और यही सेम अपडेट है आपको आईफोन पे देखने मिल जाएगा जो भी iOS 17 को सपोर्ट करते हैं, और iPad पे भी देखने मिल जाएगा। तो BGMI टेस्ट मैं करने वाला हूँ 1 hour तक, और आधे आधे घंटे बाद आपको बताऊंगा कि परफॉर्मेंस कैसी मिल रही है, बैटरी कितनी जा रही है, लैग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड फटाफट से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस अभी आप लोग यहां पे देख सकते हो 100% मेरे iPad 9 जनरेशन की बैटरी हो रही है और टाइम हो रहा है 11:09। तो अभी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना, और आपको कहीं पे भी लैग दिखेगा तो नीचे कमेंट करना, और अब आगे एंजॉय करो गेम प्ले को। तो कई जहां तक खेलते हुए मेरे को आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है, और अभी आप लोग यहां पे बैटरी देख सकते हो 89% पे हमारी बैटरी आ चुकी है, और टाइम हो रहा है 11:51, यानी कि मेरे को खेलते हुए 42 मिनट हो चुके हैं एग्जैक्ट, आधे घंटे से ज्यादा ही हो गया है, 12 मिनट ज्यादा हो गई है मेरे को BGMI खेलते हुए iPad 9 जनरेशन पे। तो iOS 17.7 पे जो हमारी बैटरी गई है 42 मिनट्स में, वो गई है बस 11%। अब भाई देखा जाए ना तो बैटरी काफी कम ड्रेन हुई है, क्योंकि भाई यहां पे जो आधे घंटे में बैटरी ड्रेन होती है वही 11% 12% ऐसे हो जाती है, लेकिन अभी भाई 42 मिनट्स में यानी कि 10 मिनट ज्यादा खेलने के बाद भी यहाँ पे बस 11% ही गई है। तो बैटरी यहाँ पे काफी बढ़िया चल रही है BGMI में आधे घंटे में, और बाकी नॉर्मल यूजेज में भी मेरे को काफी बढ़िया बैकअप मिल रहा है YouTube वगैरह चलाने पे। और मैंने इस वर्जन को डाउनलोड किया था 2 या 3 दिन पहले, और तभी से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो तब से बैटरी बैकअप तो मेरे को काफी बढ़िया मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से iOS 17.7 बढ़िया अपडेट है बैटरी बैकअप के लिए। बाकी अब तो iOS 18 जस्ट आ ही गया है, जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक आ ही जाएगा iOS 18। और रही बात आधे घंटे की परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया मिली, मतलब iOS 17.6.1 से काफी ज्यादा स्मूथ मेरे को फील हो रहा था, और मेरे को फ्रेम ड्रॉप भी एक बार भी देखने नहीं मिला, नहीं मेरे को रेंडर इशू देखने मिला एक बार भी पहले आधे घंटे में, पहले 42 मिनट्स में। तो भाई गेम प्ले तो एकदम शानदार हुआ, गेम प्ले का तो मैं बस भाई क्या ही बोलूं, इतना अच्छा गेम प्ले हो रहा था ना कि मेरा यहाँ पे टाइम पे भी ध्यान नहीं गया कि भाई आधे घंटे बाद मेरे को दिखाना है बैटरी। एंड अभी आगे गेम प्ले करते हैं और देखते हैं कि आगे हमारा गेम प्ले कैसा होता है, लैग होता है या फिर नहीं होता इस 1 hour में, और आपको ये अपडेट को करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए रिलीज होने के बाद में। तो अब आगे एंजॉय करो गेम प्ले को।
तो गाइस फाइनली यहाँ पे मेरे को खेलते हुए 1 hour कंप्लीट हो चुका है और अभी हमारी बैटरी आ चुकी है 80% पे और टाइम भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 12:11 हो रहा है, यानी कि मेरे को खेलते हुए 1 hour एग्जैक्ट कंप्लीट हो चुका है। वैसे फिर से यहाँ पे हमको एग्जैक्ट 1 hour नहीं हुआ है, 1 hour 2 minutes हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, 2 minutes को भी अब क्या ही माने। तो देखा जाए तो iOS 17.7 पे iPad 9 generation में 1 hour में जो कि हमारी बैटरी गई है वो गई है 20%, और 20% बैटरी भाई काफी सही रेन हो रही है 1 hour और 2 minutes के हिसाब से, क्योंकि पिछले 3 iOS अपडेट से जो कि iOS 17.6 है, 17.6.1 है, 17.5.1 है, उनपे बैटरी चली थी 21% से लेके 22-23% तक। तो अब की बार iOS 17.7 पे बैटरी कम रेन हुई है पहले से, तो ये चीज काफी सही बात है भाई कि BGMI में अभी हमारी बैटरी काफी सही चल रही है। और मेरे हिसाब से तो जितना मेरे को 2-3 दिन में एक्सपीरियंस हुआ तो 17.7 बेस्ट अपडेट है, मतलब की बैटरी के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। और बाकी रही बात परफॉर्मेंस की और iOS 18 कब आने वाला है, एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है उसकी, तो देखो इस 1 hour में और iOS 17.7 पे मेरे को काफी बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही है, मतलब मेरे को ना सही में एक बार भी लैग देखने नहीं मिला। आधा सेकंड वाला जो लैग होता है ना, 1 second वाला जो लैग होता है iPad 9 जनरेशन में, वो लैग भी मेरे को अभी तक एक बार भी देखने नहीं मिला पिछले 2-3 दिन में। मैं सब कुछ खेल चुका हूँ इसमें, वाओ मोड, TDM, क्लासिक, सब कुछ खेल चुका हूँ और एक बार भी मेरे को लैग देखने नहीं मिला पिछले 3 दिनों में। तो देखो परफॉर्मेंस के हिसाब से, बीच में परफॉर्मेंस के हिसाब से काफी बड़ी अपडेट है। तो अगर आपको डायरेक्ट iOS 18 पे ना जाना हो ना, तब मैं बोलूंगा कि भाई 17.7 पे भी आप जा सकते हो। अब आप बोलोगे कि भाई आपका अच्छा चल रहा है तो जरूरी थोड़ी ना है कि मेरा भी अच्छा चले, तो भाई देखो ऐसा नहीं होता है, जो अपडेट आता है ना वो 80% डिवाइसेस में सेम ही चलता है, मतलब मेरा अच्छा चल रहा है ना तो आपका भी अच्छा चल सकता है, इसके 80% चांसेस है। तो पिछले 3 दिन का एक्सपीरियंस है, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस अपडेट को अपडेट कर सकते हो जब भी ये अपडेट आए, चाहे आपके पास में iPhone हो या फिर iPad हो और iOS 17, 18 दोनों को सपोर्ट करता हो। और बाकी रही बात की iOS 18 एग्जैक्टली कब आने वाला है, क्या टाइमिंग है उसकी, तो देखो आज है 16 September और आज ही वैसे आने वाला है iOS 18 और इंडिया की टाइमिंग है रात के 11 की। वैसे 10:30 से रोल आउट होना चालू हो जाएगा, लेकिन 11 आपको पक्का देखने मिल जाएगा, तो 11 आप चेक कर सकते हो। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि भाई iOS 18 तुरंत अपडेट मत करना जैसे आएगा, पहले रिव्यूज देखना, खासकर तो BGMI पबजी के रिव्यूज अगर आप गेमिंग करते हो। मैं भी रिव्यूज काफी सारे डालने वाला हूँ, तो वो रिव्यू को जरूर से चेकआउट करना, तभी अपडेट करना। और जो भी आपको BGMI टेस्ट देखने हो iOS 18 के, वो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर से ट्राई करूंगा वो BGMI टेस्ट बनाने का। एंड यही था हमारी इस वाली वीडियो में, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो सर उसे सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मैं मिलूंगा आपको ऐसी एक और नई वीडियो में, जहां तक देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया एंड बाय बाय।